बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झाड़ू बैठ कर लगाने के फ़ायदे। बैठ कर झाड़ू लगाने से हवातीन को कभी भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी या तकलीफ़ लाहक नहीं होती, क्योंकि जब आप बैठ कर झाड़ू दे रही हैं तो उस वक्त आपका सारा जिस्म एक ख़ास सिंत में हरकत कर रहा होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी और कमर के मोहरे भी हरकत खाते हैं। इसकी वजह से उनके दरमियान होने वाले तमाम तर गैप या खाली जगह बिल्कुल पुर हो जाती हैं, ये अपना काम सही से सरंजाम देते हैं। खवातीन को घुटनों के दर्द की शिकायत रहती है, ऐसे में बैठ कर झाड़ू देने से आपके घुटने फ्लॉइड रगड़ खाते हैं। इसमें मजीद लेसदार मादा पैदा होने के इम्कानात बढ़ते हैं, जिससे ये दर्द कम किया जा सकता है। अक्सर खवातीन का यूरिक एसिड हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उन्हें ढेरों दवाइयाँ खाने को देते हैं। अगर आप इससे बचना चाहती हैं तो रोज़ाना बैठ कर झाड़ू लगाएँ। इस हालत में जिस्म से यूरिक एसिड खारिज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वो खवातीन जिनका जिस्म किसी वजह से कहीं से सूज गया हो या पेट का निचला हिस्सा निकल गया हो, मोटापा आ गया हो, उनके लिए बैठकर झाड़ू लगाना सबसे ज़्यादा मुनासिब और फ़ायदेमंद है। मेनोपॉज की तकलीफ से जान छुड़ाई जा सकती है। हमल के वक्त होने वाली तकलीफ़ें भी किसी हद तक कम होती हैं। एक बैठकर झाड़ू लगाने से इतने फ़ायदे हैं, तो अब से आप भी ये काम करना शुरू कर दें।